हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर। यह एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मैं आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूंगा, जिनका नाम है फर्जी क्लोथिंग। आप यहां पे मेरा ये पहना हुआ टी शर्ट तो देख ही सकते हो, जहां पे मादारा बैठा हुआ है, एंड दिस डिजाइन लुक्स वेरी कूल। और इसी तरह से बहुत सारे डिजाइन आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस डिजाइन इज कि ये नॉर्मल प्रिंटिंग नहीं है, दिस इज एम्ब्रॉयडरी। दैट मीन्स इट्स नेवर गोइंग टू फेड अवे। आपको इनके वेबसाइट पे एम्ब्रॉयडरी डिजाइन लाइक और उसी के साथ रिफ्लेक्टिव डिजाइंस और नॉर्मल प्रिंट्स भी मिल जाएंगे। और इनके वेबसाइट पे आपको सिर्फ कोई छोटे मोटे कलेक्शंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं अगर आप मेनस्ट्रीम एनिमे देखते हो तो आपको आपके फेवरेट एनिमे का टी-शर्ट इनके वेबसाइट पे डेफिनेटली मिल जाएगा। उसी के साथ अगर आप 3 टी-शर्ट लोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। और बस ये ऑफर ही नहीं, बल्कि उन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली समर कलेक्शन डिजाइन भी रिलीज किए उनके वेबसाइट पे। सो अगर आपको उनकी वेबसाइट चेकआउट करनी है, ये टी शर्ट बाय करना है, तो डेफिनेटली चेक देम आउट। और मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी के साथ पिन कमेंट में भी दे दूंगा। लास्ट वीडियो में हमारी स्टोरी वहां पे छूटी थी, जहां पे गट्स को उस बैंडेज्ड आदमी के पास बेहरेट मिल जाता है। वो देखने के बाद गट्स उस बैंडेज्ड आदमी को तुरंत ही ऊपर पकड़ लेता है और उसको पूछता है कि ये बेहरेट है और तेरे पास ये चीज कहां से आई। तो उसके ऊपर वो बैंडेज्ड आदमी पहले तो अपना खुद का नाम बताता है, जो कि होता है वारगास। वारगास आगे बताने लगता है कि ये बेहरेट मैंने काउंट के कासल से चोरी किया था। 7 साल पहले ये काउंट एकदम इंसान जैसा बिहेव करता था, सबसे अच्छा बिहेव करता था, थोड़ा सा क्रूल था, लेकिन अपने किंगडम के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार था। लेकिन 7 साल पहले कुछ अजीब सी चीज हो गई, जिसके वजह से उनका काउंट सभी लोगों से इनह्यूमन बर्ताव करने लगा। अभी ये चीज क्या हुई थी, कैसे हुई थी, वो किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तो पक्की है कि उस इंसिडेंट ने काउंट को पूरी तरह से बदल दिया। वारगास आगे बताने लगता है कि 7 साल पहले मैं खुद किंगडम के अंदर, कैसल के अंदर एज अ फिजिशियन काम करता था। मेरी अच्छी पोस्ट थी, मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती थी और मेरी अच्छी लाइफ चल रही थी। लेकिन काउंट चेंज हो गया, तब वो अलग अलग आदमियों को पकड़ के अपने लैबोरेटरी में लाने लगा और उनको मार के काट के खाने लगा। और वो चीज देख के वारगास बहुत डर गया था, और उसके वजह से वारगास ने डिसाइड किया कि मैं मेरी फैमिली को और 2 बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। और वही चीज करते वक्त, यानी कि वारगास अपनी फैमिली को लेकर कासल से भागते वक्त काउंट ने उसको पकड़ लिया। वारगास की सारी फैमिली को पकड़ के वो लैबोरेटरी में लेके गया और वारगास के सामने उसने उसके वाइफ को और उसके बच्चों को मारकर खा लिया। और उसके बाद में काउंट ने वारगास की एक आग भी फोड़ दी और 2 टांगे भी तोड़ दी। लेकिन कैसे वैसे करके वारगास चांस पकड़ के वहां से एक दिन भाग निकला, और भागते वक्त उसने ये चोरी किया था। वारगास को इस अंडे का यूज कैसे करते हैं ये चीज तो पता नहीं थी, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि काउंट के लिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वारगास इसको चोरी करके यहाँ पे लेके आया। फिर ये सब सारी स्टोरी सुन के गट्स चुप रहता है और थोड़ी देर बाद बोलने लगता है कि This is Beheret and this is used to summon all the monsters. ये एक ऐसी चीज है जो कि मॉन्स्टर की दुनिया और ह्यूमंस की दुनिया को जोड़ सकता है, और इसका यूज करके कोई भी गॉड हैंड को बुला सकता है। गॉड हैंड यानी कि 5 मॉन्स्टर्स का ग्रुप जो सबसे पावरफुल मानता है। और ये बात सुन के वारगास और पग दोनों ही चौक रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं था कि ऐसी चीज भी हो सकती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है इस किंगडम के कैसल के अंदर, जहाँ पर एक जोडार्क नाम का बड़ा वाला ह्यूज बंदा एडमिट होता है। ये वही बंदा है जिसको गट्स ने लास्ट चैप्टर में मारा था। फिर इस सीन में ऐसा पता लगता है कि जोडार्क इस किंगडम में सबसे पावरफुल वॉरियर माना जाता था, लेकिन गट्स ने उसको चुटकी में ही हरा दिया। उसके वजह से अभी वो पागल हो चुका है, उसको ये हजम नहीं हो रहा कि मेरे को भी किसी ने हरा दिया। वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ के पागल जैसा बिहेव कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वहां पे काउंट आ जाता है और काउंट सब लोगों को बोलता है कि यहां से बाहर चले जाओ। फिर रूम में बचते हैं सिर्फ 2 लोग, काउंट और जोडार्क हिमसेल्फ। और अभी काउंट जोडार्क के पास जाके उसके कान में कुछ बोलता है और अचानक से काउंट के मुंह से एक अजीब सा कीड़ा बाहर आ जाता है, जो कि जाके जोडार्क के मुंह में जाता है और उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है। जोडार्क की जो जो इंचेस होती है बॉडी पे, वो अचानक से पूरी तरह से हील हो जाती है। और नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखता है कि जोडार्क अपना बदला लेने के लिए तैयार है। जोडार्क और काउंट जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, वहां पे एक इन्फॉर्मेंट आके उनको बता देता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की लोकेशन पता चल चुकी है। फिर वापस जाके हमारा सीन वारगास के लैब में शिफ्ट होता है, जहां पर पक, गट्स और वारगास तीनों मिलके उस बेहरेट की तरफ देख रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि ये चीज है क्या। इस अंडे जैसे चीज पे आंख, नाक और मुंह होता है, लेकिन इनकी प्लेस कुछ अजीब तरह से होती है, जिसके वजह से वो ह्यूमन फेस जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। फिर आगे जाके गट्स बताता है कि इसका खतरा अभी हमें कुछ भी नहीं है, दिस इज इनएक्टिव राइट नाउ।
और एक्चुअली मुझे भी पता नहीं कि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं और यूज कैसे करते हैं। फिर आगे जाके शुरू होता है वार्गास का प्लान। वार्गास कैसल का पूरा मैप निकालता है और गट्स को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ जहां से तुम कैसल के अंदर जाके काउंट को मार के सेफली बाहर निकल सकते हो। लेकिन ये बताते वक्त अचानक से वहां पे जोडार्क आ जाता है और जोडार्क आने के बाद तुरंत ही वो कुछ देखे बिना गट्स पे अपनी तलवार से अटैक करने लगता है और उनकी घमासान फाइट वहां पे शुरू हो जाती है, जहां पे पक और वार्गास साइड में खड़े होके देख रहे होते। इस फाइट चालू होते वक्त गट्स उसको मल्टीपल टाइम्स कट करता है, अलग अलग जगह पे काटता है। लेकिन जब वो गट्स उसको काटता है, वो अचानक से अपने बॉडी पार्ट्स रीजनरेट करने लगता है। सो वी नो राइट नाउ कि ही इज नॉट ह्यूमन एनीमोर। काउंट ने कुछ ऐसा कर दिया है उसके बॉडी के ऊपर जिसके वजह से वो अभी वापस से रीजनरेट हो सकता है एंड ही इज नॉट ह्यूमन एनीमोर। फिर आगे जाके जोडार्क अपना खुद का असली रूप दिखा देता है, जो कि कुछ पैरासाइट एनिमे में से पैरासाइट जैसा दिखता है। वो नोस की पैरासाइट मांगा की डिजाइन शायद जोडार्क से ही इंस्पायर्ड हो। फिर वापस से उनकी फाइट शुरू होने लगती है और जोडार्क जोर जोर से उस पर अटैक करने लगता है और गट्स को इंजूरीज करने लगता है। लेकिन गट्स को एक बात तो पक्की हो जाती है कि ये भाई अभी इंसान नहीं है और मैं अभी इसको जितना काट रहा हूँ वो उतना ही रीग्रो होके रीजनरेट होके बढ़ रहा है और पावरफुल होते जा रहा है। सो अभी मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ और वो है यहाँ से भागना। और गट्स थोड़ा सा दिमाग लगा के उसके ऊपर की छत उसके ऊपर गिरा देता है और उसके बाद पक वार्गास और गट्स तीनों की तीनों वहां से दुम दबा के भाग लेते हैं। फिर वो तीनों जाके मिलते हैं एक कैनाल की साइड पे, जहाँ पे गट्स वार्गास से जबरदस्ती से वो बहरीट छीन लेता है और उसको बोलता है अभी तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाता हूँ, तू तेरा काम कर ले। मेरा काम तो हो गया, मुझे मेरा बहरीट मिल गया। और बहरीट उससे छीन के गट्स अपने रास्ते से निकल लेता है। लेकिन निकलने से पहले वार्गास गट्स को बोलता है कि प्लीज़ मेरा बदला ले लो और उस काउंट को मार दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मी एंड फॉर माय फैमिली। और गट्स उस पर कुछ बोलता तो नहीं है और अपने रास्ते पे वापस से निकल जाता है। और वहाँ पे अगले में हमें दिखता है कि वार्गास उसी कैनाल के साइड पे थोड़ा सा दुखी होकर खड़ा है और अचानक से पीछे से कुछ अजीब सा स्लगिश क्रिएचर आके उसको पकड़ के कैनाल के अंदर खींच लेता है और उसको डुबा के कहीं पे लेके जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर वार्गास को पकड़ के कैसल के अंदर लेके गया है। अभी कैसल के अंदर लेके जाने के बाद काउंट एक आइडिया लगाता है। काउंट के दिमाग में बस अभी एक ही चीज होती है और वो है गट्स को मारना, गट्स को खत्म कर देना। सो वो चीज करने के लिए काउंट एक दिमाग लगाता है और बोलता है कि वार्गास की पब्लिक एग्जीक्यूशन करते हैं तो क्या होगा, वार्गास को बचाने के लिए गट्स वहां पे आ जाएगा और उसके लिए हम ट्रैप बिछा के रखेंगे जिसके वजह से वो हमारे हाथ में आ जाएगा, उसको वहीं पे हम खत्म कर देंगे। और दूसरे दिन वही चीज होने लगती है। वार्गास को ऊपर हाइट पे बिठा के पब्लिक एग्जीक्यूशन करने की तैयारी की जाती है। सारे गांव के लोग वहां पे जमा हो जाते हैं और वार्गास की तरफ देखने लगते हैं ऊपर। गट्स भी वहां पे वार्गास की एग्जीक्यूशन की खबर सुन के वहां पे आ जाता है, लेकिन वो ज्यादा पास नहीं आता बिकॉज ही नोस कि ये मेरे लिए एक ट्रैप हो सकता है। वो दूर खड़े रह के वार्गास की तरफ देख रहा होता है और वहां पे अचानक से पक आके गट्स को बोलने लगता है कि देखो वार्गास ने तुम्हारी कितनी हेल्प की, तुम्हें बचाया था, तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें बहरेट दिया, फिर भी तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। दिस इज नॉट राइट, यू शुड हेल्प हिम राइट नाउ। सो गट्स उस पे बोलता है कि तुझे इतना है तो तू ही हेल्प कर ले जाके, मुझे पता है कि ये मेरे लिए ट्रैप है। फिर पक उसको बोलता है कि नहीं दे, तेरे को बोल के तो कुछ होने नहीं वाला, तो मैं ही जाके उसकी हेल्प करता हूँ। एक्चुअली में पक होता है तो इतना सा। तो पक जाके एग्जीक्यूशनर के पास ऐसे ऐसे घूमने लगता है और एग्जीक्यूशनर को लगता है कि कुछ मच्छर होगा, कीड़ा होगा, तो वो उसको ऐसे करके उड़ा देता है। पक जाके साइड में गिर जाता है और नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखता है कि एक काउंट ऊपर बैठ के ऑर्डर देता है कि इसको एग्जीक्यूट कर लो, क्योंकि गट्स बहुत टाइम हो गया, गट्स तो यहाँ पे आने नहीं वाला, तो इसको यहाँ पे मार डालते हैं। और फाइनली यहाँ पे इस सीन में वार्गास की मौत हो जाती है, उसको पब्लिक एग्जीक्यूट किया जाता है। ये सब चीज़ें गट्स दूर पे खड़ा रह के देख रहा होता है, बट ही इज हेल्पलेस राइट नाउ। अगर वो वहाँ पे गया तो उसकी जान डेफिनेटली चली जा सकती है। अभी गट्स के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है, वो है वार्गास के लास्ट वर्ड्स। वार्गास उसको मरने से पहले एक चीज़ बोला था, वो है प्लीज़ मेरा बदला ले लो, प्लीज़ जाके काउंट को ख़त्म कर दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मी एंड फॉर माई फैमिली। अगले सीन में हमें दिखता है कि ये जो सारे लोगों को पब्लिक एग्जीक्यूट किया जाता है, उनके बॉडीज एक मास डंपिंग ग्राउंड में डाले जाते हैं। वहां पे गट्स जाके पहुंचता है और वार्गास की टूटी हुई गर्दन की तरफ देखने लगता है और वहां पे जो जो लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है
उनके अंदर अचानक से कुछ स्पिरिट्स बाहर आके गट्स के बॉडी पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि प्लीज़ लेंड मी योर बॉडी, मैं तुम्हारी बॉडी का यूज़ करके काउंट को मार के अपने फैमिलीज़ का, अपने दोस्तों का बदला ले लूँगा। सारे स्पिरिट्स उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं लेकिन गट्स उनको रेजिस्ट करके उनको अपनी बॉडी के बाहर फेंक देता है और बोलता है कि आई डोंट नीड एनी स्पिरिट्स टू टेक दिस रिवेंज, आई विल डू इट ऑन माई ओन वेज, मैं ये सब चीज़ें खुद के हाथ से करूँगा, मुझे तुम्हारे जैसे चिंदी स्पिरिट्स की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के गट्स अपना क्लॉक अपने बॉडी पे लेके उस कासल की तरफ चलने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि पक को एक्चुअली एक छोटे पिंजरे में बंदी बनाया गया है और काउंट अपने हाथ में पक को लेके एक रूम की तरफ बढ़ रहा है अपने कासल के अंदर। इस रूम में हमें पता चलता है कि काउंट की लड़की बैठी हुई है जिसका नाम होता है थेरेशिया। थेरेशिया को यानी कि अपने खुद के लड़की को काउंट एक गिफ्ट लाता है जो कि बेसिकली बंदी बना हुआ पक होता है और जैसे ही गिफ्ट साइड में रख के वो अपने लड़की को हाथ लगाने के लिए जाता है लेकिन लड़की अचानक से अपना हाथ पीछे मोड़ लेती है और वहाँ से काउंट को जाने के लिए बोलती है। काउंट अपना दुखी मुंह लेके वहाँ से निकल जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है गट्स की तरफ जो कि फाइनली कासल के अंदर आ चुका है। कासल के अंदर आने के बाद वो सारे गार्ड्स को एक एक करके मर ऊपर ऊपर बढ़ने लगता है और स्टेयरकेस में जाने के बाद उसको फाइनली वापस से जोडार्क मिलता है। जोडार को मिलने के बाद गट्स थोड़ा वापस से टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको तो पता है ही इज नॉट गोना डाई, इसको कितना भी मारो, इसको कितना भी कट कर लो, ये तो मरने नहीं वाला, तो इसको मैं हराऊं कैसे। और ये सोचते वक्त अचानक से जोडार को उस पर अटैक कर देता है और वहाँ पे उनकी वापस से फाइट शुरू हो जाती है लेकिन दिस टाइम गट्स सफर्स ग्रेवियस इंजुरीज। उसके बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पे उसको इंजुरीज होती है जो कि बहुत डेडली होती है। गट्स सामने वहाँ पे पड़ा हुआ होता है तब जोडार गलती से गट्स को बता देता है कि यू कैन नॉट किल मी अनलेस यू कट माई हेड, इसका मतलब अगर तुम मेरा सिर काट सकते हो तो ही तुम मुझे मार सकते हो। और ये बात सुन के गट्स के बॉडी के अंदर वापस से एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से वो अपनी तलवार निकाल के जोडार की गर्दन काट देता है और उसकी टूटी हुई गर्दन पकड़ के वो दीवार पे पटकता है और उसको वहीं पे मार डालता है। ये फाइट गट्स जीत तो जाता है, जोडार को मार तो लेता है लेकिन उसको लगने लगता है कि इन इंजुरीज के साथ शायद ही मैं काउंट को हरा नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर बाद में उसको याद आता है कि शायद इसको मैं अगर गर्दन काट के मार सकता हूं तो काउंट को भी उसी तरह से मैं खत्म कर सकता हूं। तो ये सोच के वो वापस से आगे बढ़ने लगता है। अगला सीन वापस से शिफ्ट होता है पक और थेरेशिया के तरफ जहां पर वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। थोड़ी सी बात होने पे पक और थेरेशिया की दोस्ती होने लगती है और उसी चीज में थेरेशिया पक को बताने लगती है कि 7 साल पहले मेरे पापा एकदम नॉर्मल ह्यूमन जैसे बर्ताव करते थे लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके वजह से अभी वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर जैसे बिहेव कर रहे हैं। फिर उस पे पक जाके पूछता है कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्या था 7 साल पहले जिसके वजह से वो ऐसा बिहेव करने लगा। फिर थेरेशिया आगे बताने लगती है कि 7 साल पहले हमारे गांव में हेरेटिक्स का बहुत खतरा था। हेरेटिक्स यानी कुछ ऐसी चीज जो कि मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो में बता दिया था लेकिन फिर भी वापस मैं आपको बता दूंगा। हेरेटिक्स यानी कि ऐसी चीज जहां पे लोग दूसरे गांव में आके, दूसरे किंगडम में आके अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो 7 साल पहले यही चीज हुई थी, बहुत सारे हेरेटिक्स करने वाले लोग इस किंगडम में आए थे और अलग अलग लोगों को पकड़ के उनको अपना धर्म चेंज करने के लिए फोर्स कर रहे थे। उसी तरह से काउंट को भी इन लोगों से खतरा था। वो लोग बोले थे कि अगर तुम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करोगे, अपना धर्म चेंज नहीं करोगे तो हम तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। लेकिन काउंट एज बीइंग द काउंट वो अपना रेपुटेशन खोना नहीं चाहता था तो उसके वजह से उसने उनकी बात सुनी नहीं और कुछ ही दिन बाद उसकी वाइफ यानी कि थेरेशिया की माँ का मर्डर हो गया। फिर वो चीज़ होने की वजह से काउंट पूरी तरह से चेंज हो गया और गांव में जो जो हेरेटिक्स प्रैक्टिस करता था या फिर कोई भी रूमर फैला रहा होगा कि कोई ये वाला बंदा हेरेटिक्स कर रहा है तो उसको उठा के वो पब्लिक एग्जीक्यूशन करने लगा। उसने पिछले 7 सालों में बहुत लोगों का पब्लिक एग्जीक्यूशन हेरेटिक्स के वजह से कर दिया था और मेरे को यानी कि पक को बोल रही होती है कि मेरे को इस रूम के अंदर उसने 7 साल से बंदी बनाया हुआ है क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं इस रूम के बाहर पड़ जाऊँ तो शायद मेरा भी मर्डर हो जाए, मुझे वो हेरेटिक्स करने वाले लोग आके मार डाले। तो 7 साल से मैं इसी रूम के अंदर बंदी पड़ी हूँ और इसी टाइम के बाद मेरे पापा पूरी तरह से चेंज हो गए, उसका ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो गया और वो ज़्यादा एपोस्टल्स की तरह बिहेव करने लगे यानी कि मॉन्स्टर्स की तरह बिहेव करने लगे। ये छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने के बाद वापस सीन शिफ्ट होता है गट तरफ जो कि अगेन सारे गार्ड्स को मारते हुए काउंट की तरफ बढ़ रहा है
और फाइनली बहुत सारे गार्ड्स को मारने के बाद वो काउंट के सामने आके खड़ा हो जाता है जो कि ऊपर थ्रोन पे बैठा हुआ होता है। अभी काउंट को तो पता होता है कि इसने जोडर को ऑलरेडी खत्म कर दिया है। सो ये एक ऐसा एनिमी है जिसको मैं ह्यूमन फॉर्म में रह के मार नहीं सकता। सो वो फाइनली अपना असली रूप बाहर निकाल देता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, जिसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि किसी को भी देख के घिन आ जाए। और फाइनली गट्स और काउंट के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, विच डज नॉट लुक गुड फॉर गट्स। और उनकी फाइट शुरू होने की वजह से पूरे के पूरे कासल के अंदर शोर शराबा मच जाता है। पक और थेरेशिया को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे ही दोनों खिड़की के बाहर देखते हैं तो दो गार्ड्स को बात करते वक्त वो सुनते हैं कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन कासल के अंदर आ चुका है। और ये बात पक के कान पे पड़ते ही पक थेरेशिया को बता देता है कि गट्स जो आया, जो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन इस कासल के अंदर आया है, उसने ही मेरी जान बचाई थी एंड ही इज अ गुड मैन। और ये बात सुन के पक थेरेशिया के रूम के बाहर निकल जाता है और थेरेशिया को बोलता है कि प्लीज इस रूम से बाहर निकल जाओ और अपनी जिंदगी जी लो। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि गट्स की हालत अभी बहुत खराब हो चुकी है। काउंट गट्स को उठा उठा के पटक पटक के मार रहा है, जिसके वजह से गट्स की जान अभी बहुत खतरे में है। गट्स को तो एक बात क्लियर है कि मुझे इसकी गर्दन काटनी है तभी मैं इसको मार पाऊंगा, तो उसको फंसाने के लिए गट्स बाहर जाके डायल को लाके एक पिलर के पीछे खड़ा कर देता है, जिसके वजह से काउंट को लगता है कि गट्स उस पिलर के पीछे छुपा हुआ है। तो वो उस पिलर पे जैसे ही अटैक करता है उसको दिखता है कि अरे मैंने तो एक्चुअली डायल को ही मार दिया। और फिर उसको पता लगता है कि ये एक्चुअली मेरे लिए बिछाया हुआ ट्रैप था। और जैसे ही वो अलर्ट हो जाता है उसको पता चलता है कि गट्स मेरे पीछे से आके मेरी गर्दन पे अटैक करने वाला है। लेकिन कुछ ही मिलीसेकंड्स के अंदर गट्स की तलवार का अटैक उसके गर्दन तक पहुंचने के अंदर ही अंदर काउंट उसको वापस से पकड़ लेता है और उसको दूर जोर से फेंक देता है, जिसके वजह से गट्स वापस से जाके एक पिलर पर जाके टकराता है। गट्स की हालत अभी इतनी खराब दिखाई जाती है कि वो अभी अपने जगह से भी हिल नहीं सकता। और फाइनली हमें दिखता है कि उस काउंट का मॉन्स्टरस फॉर्म गट्स की बॉडी की तरफ बढ़ रहा है। और अभी इसकी आगे क्या होता है इसका पता करने के लिए आपको और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शायद और एक या दो वीडियो में हमारा ये वाला ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क खत्म हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा, तो जरूर जाके देख लो। और हाँ, मेक श्योर टू चेक आउट फर्जी क्लोथिंग, वो आर आवर टुडे स्पॉन्सर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और कॉमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।